हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्रम बेग और आज मैं आपके सामने लाया हूं एक ओपनिंग जिसका नाम है पेट्रो डिफेंस। पेट्रो डिफेंस के अगेंस्ट कैसे खेलना है। वाइट चलता है e4, नॉर्मल मूव। ब्लैक e5, बिशप एक्टिव, क्वीन एक्टिव, नाइट से सेंटर पॉन पर अटैक। तो ब्लैक क्या करता है, आपके पॉन पर अटैक कर देता है। इस वाली ओपनिंग को कहते हैं, जो ब्लैक खेल रहा है कहते हैं पेट्रोव डिफेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल पॉन को मारना है। अगर ब्लैक मारेगा तो क्वीन एक निकालनी है, किंग पर अटैक, नाइट वापस जाता है, चेक, क्वीन से किंग पर अटैक, नाइट से क्वीन पर अटैक, आपको इजीली क्वीन मिल जाएगी ओपनिंग में। ठीक है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है, जो मतलब चेस स्टार्ट करते हैं खेलना, ओपनिंग जिनको कुछ नहीं आती है उनके लिए। अब मूव पीछे करते हैं, नाइट से पॉन मारेंगे, ब्लैक मारेगा, क्वीन अटैक करेंगे। अब यहाँ पर ब्लैक थोड़ा सा चला के नाइट को सेव कर दिया। ठीक है, अब अगर आप क्वीन से नाइट को मारोगे तो पॉन से आपकी क्वीन मर जाएगी, तो यहाँ पर नाइट को भगाना है पॉन से। ठीक है, अब नाइट वापस जाएगा, फिर से सेम अटैक, क्वीन से किंग पर अटैक, नाइट से क्वीन पर अटैक, आपको फिर से क्वीन मिल जाएगी। ठीक है, अब मूव फिर से पीछे करते हैं। ये अभी सिर्फ बच्चों का लेवल है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब यहाँ पर नाइट से मारते हैं, अब बच्चा थोड़ा सा चालाक है, जो जाल हम बिछा रहे हैं क्वीन मारने का, वही ट्रैप वो भी सेट कर सकता है क्वीन लाकर। ठीक है, अब यहाँ पे घबराना नहीं है, नाइट से नाइट पे सपोर्ट करनी है पॉन से। ठीक है, अब क्वीन से तो मार नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, इसको भगा देगा। अब नाइट वापस आ जाओ, अभी भी घबराना नहीं है। ठीक है, वो नाइट से मारेगा, उसका भी सेम ही आइडिया है। ठीक है, अगर आप गलती करते हो और आप अपना बिशप निकालते हो और सोचते हो कैसलिंग कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, तो जो आपने जाल बिछाया था आप उसी जाल में फंस जाओगे। ठीक है, क्वीन से अटैक, किंग पर, नाइट से क्वीन पर। तो अब थोड़ी पीछे करते हैं, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें रास्ता ब्लॉक करना है क्वीन का। ठीक है, अब क्वीन से चेक नहीं आ रही, बीच में बिशप है, तो ब्लैक क्या कर सकता है, यहाँ पर आपके नाइट पर अटैक कर सकता है, और आप यहाँ पर जल्दी जल्दी में एक मिस्टेक कर सकते हो, ये उसके बिशप पर अटैक कर सकते हो जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्लैक नाइट को मार देगा। अब आप सोचोगे मैं पॉन से मारूंगा तो कैसलिंग ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, किंग साइड पूरी टूटी फूटी हो जाएगी, तो आप बिशप से मार दोगे तो क्या होगा, सेम। तो अभी इस पोजीशन में क्या करना है, करेक्ट मूव क्या है, करेक्ट मूव है कैसलिंग। कैसलिंग के बाद आप खेल सकते हो रुक को ईवन लाकर, किंग पे अटैक कर सकते हो, उसकी क्वीन को पिन भी कर सकते हो, पॉन चल सकता है ब्लैक, ज़्यादातर लोग ये पॉन ही चलते हैं। ठीक है, स्पेस गेन करने के लिए, और यहाँ से आप नॉर्मल गेम खेल सकते हो, आपका किंग सेफ है, पीस एक्टिव है। ठीक है, रुक ओपन फाइल भी आ सकता है। आप थोड़ी पीछे करते हैं मूव, पॉन चलेंगे, ब्लैक पॉन चलेगा, नाइट निकालेंगे, ब्लैक नाइट निकालेगा, तो ये ओपनिंग हो गई पेट्रोव डिफेंस। आप मारोगे, अब क्या होगा। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल ही स्ट्रांग है और पेट्रोव डिफेंस की मेन लाइन खेल जानता है तो वो क्या करेगा, तो वो पॉन चलेगा, आपके नाइट को भगा देगा वापस, और फिर आपका पॉन मार देगा।
अब यहाँ पर आप d4 चल सकते हो, वो भी चलेगा। नाइट बिशप निकालोगे, बिशप निकालेगा, उसके बाद कैसलिंग कैसलिंग, इक्वल गेम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है। जब वो नाइट से पॉन मारेगा तो आपको नाइट निकालना है। ठीक है, सेंटर में जो नाइट है उसको चैलेंज करना है। मारा, अब क्या करेंगे, क्वीन वाले पॉन से मार देंगे। क्वीन ओपन, बिशप ओपन, सेकंड बिशप ओपन। ठीक है, वाइट की अच्छी पोजीशन है। ब्लैक यहाँ पर बिशप चलता है। अब यहाँ पर आपके पास तीन मूव हैं, तीनों मूव आप खेल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। फर्स्ट मूव बिशप e3, सेकंड मूव बिशप d3, ठीक है, और फिर कैसलिंग कर सकते हो। ब्लैक भी कैसलिंग, वाइट भी कैसलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक मूव है, अगर आपको अटैकिंग खेलना है, बिशप e7 के बाद बिशप f4, बिशप f4 क्या आइडिया होता है, नाइट आता है c6, उसके बाद नाइट आता है e5, बिशप f4 होगा तो नाइट e5 नहीं आ सकता है। कैसलिंग, क्वीन ऊपर, आइडिया लॉन्ग कैसलिंग। ठीक है, और किंग साइड से उसके किंग पर अटैक करना। नाइट लॉन्ग कैसलिंग, नाइट c5, एक बारी हम किंग को और अंदर सेव करेंगे ताकि कभी हमारी क्वीन फ्यूचर में गलती से पिन ना हो जाए, इसलिए किंग b1। इसके बाद बिशप e6, नाइट d4, नाइट सेंटर में। बिशप f6 चल सकता है, ब्लैक ब्लैक कुछ और भी चल सकता है आपके साथ गेम खेलते हुए। ठीक है, यहाँ पर नाइट क्रॉस बिशप, नाइट क्रॉस बिशप e3। अब यहाँ पर वाइट की क्या पोजीशन है, वाइट के पास डबल बिशप है। पुराने लोग बोलते थे 2 बिशप इक्वल टू क्वीन। ठीक है, तो 2 बिशप का पेयर हमेशा पावरफुल होता है। अब यहाँ पर वाइट की अच्छी पोजीशन है और ब्लैक की भी इक्वल इक्वल सेम सेम पोजीशन है। ठीक है, अगर आपको ब्लैक से ओपनिंग सीखनी है, स्टार्टिंग की है आपने चेस की, तो आप ब्लैक से पेट्रोव डिफेंस की ये वेरिएशन खेल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड में फ्लिप कर देता हूँ, कौन सी वेरिएशन आप ब्लैक से खेल सकते हो। e4, e5, नाइट 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 क्रॉस मारा, ये वेरिएशन आप ब्लैक की खेल सकते हो। ठीक है, नाइट से मारा, d4 चलेगा तो आप d4, और अगर नाइट चलता है तो नाइट को मारो, मारेगा बिशप निकालो। ठीक है, और आप खेल सकते हो, ये पोजीशन इक्वल है, इसमें कुछ खराबी है नहीं। ठीक है,